भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर भोजपुरी एक्टर ने खुद इसकी जानकारी दी है। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं, और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भोजपुरी एक्टर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी की ओर से बुधवार को लोकसभा चुनाव की 10वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने आसनसोल सीट से एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया का मुकाबला टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। गौरतलब है कि एनडीए ने काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से माले के राजाराम कुशवाहा मैदान में हैं। बीजेपी का टिकट ठुकराने के बाद पवन सिंह ने बाद में ट्वीट कर कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ नहीं किया था कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से नहीं बल्कि बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी पवन सिंह को बिहार से चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग गया था। इससे पवन सिंह को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई थी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो लगातार पवन सिंह पर निशाना साध रहे थे। बता दें कि पवन सिंह ने घोषणा तो कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर 13 मार्च को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और माँ से किया वादा जरूर पूरा करूंगा और इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है, जय माता दी। इस पोस्ट में उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। यहां यादव वोटर्स 3 लाख से अधिक हैं। वहीं कुशवाहा और कुर्मी जाति के मतदाता लगभग 2.5 लाख हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही राजपूत मतदाता भी 2.5 लाख के करीब हैं। वैसे जाति के मतदाता भी लगभग 2 लाख हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 75,000 है। इसके अलावा भूमिहार जाति के 50,000 के करीब मतदाता हैं। वेल, इस वीडियो में आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।